अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मुगल है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में काम करती हूँ एज़ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट। और मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा हूँ जिसने एमफिल की डिग्री हासिल की। अभी रिसेंटली मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था यूएन की सीटा कमेटी में, और पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दुनिया की पहली गवर्नमेंट बन गई है जो अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट डेलीगेशन के अंदर एक ट्रांसजेंडर वुमेन को यूएन जनेवा में लेके गई थी। मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, मैं मैट्रिक जो था मैंने वहाँ से किया था, ओमान में पढ़ी थी, और फिर पाकिस्तान जब हम आ गए थे तो मैंने कॉम साइंस में अपनी बीबीए की और एमएस की डिग्री की। मैं तो शुरू से ही अपने आप को जो है एक लड़की समझती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो पता चला कि लड़की तो मैं नहीं हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी के, अपने घर वालों के, अपने फैमिली मेम्बर्स के, वो आपको बार बार कहते हैं कि यू नो मर्द बनो और मर्दों की तरह बैठो, मर्दों की तरह चलो, मर्दों की तरह सारे काम करो। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो हैं वो मर्द बन के जॉब करने की कोशिश करते हैं। मेरे फैमिली की तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शंस थी कि मैंने एक लड़का बन के ही जॉब करनी है, क्योंकि अगर मैं अपना जेंडर डिस्क्लोज़ करती कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरी फैमिली मुझे डिसऑन कर देती, तो इसलिए उस पर वो प्रेशर भी था। और मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं अपना जेंडर डिस्क्लोज़ करूँगी एज अ ट्रांसजेंडर वुमेन तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन जब मैंने कालिदास यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, मुझे नेशनल रिकग्निशन मिली एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन, एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेक्चरर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फिर मैंने जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ज्वाइन किया तब भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन हु वॉज अपॉइंटेड एट एनी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ख्वाजा सराओं के लिए एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था वज़ीर आज़म हाउस में, और आई वॉज़ दी मास्टर ऑफ सेरेमनी इन दी प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो वो भी मेरे लिए बहुत फ़ख्र का मौका था। अभी काफ़ी हद तक बेहतर है, मैं घर जाती हूँ और मेरी अब तो मेरी बल्कि मेरी अम्मी जो है मुझ पर फ़ख्र महसूस करती हैं, मेरी अचीवमेंट्स को जब देखती हैं, मेरे टी वी पर जब देखती हैं, मेरे बारे में जब अखबार में पढ़ती हैं तो वो खुश होती हैं। और अब आई थिंक मेरे जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो भी मुझ पर प्राउड फील करते हैं और उनको भी एहसास हो रहा है अपनी गलती का।